बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मूंग मसूर की दाल बना रही हूँ चावलों के साथ। सबसे पहले दिखा देती हूँ कि ये मसूर की दाल, ये छोटी एक प्याली, ये इस तरह की रेड कलर की होती है, और ये मूंग की दाल, ये पीली कलर की होती है। तो एक एक प्याली ये बराबर ही मैंने ली है। एक टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट ये टीस्पून डालूंगी, और तड़का मैं प्याज का एंड पे लगाऊंगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, और अचारी मिर्चों से इसका तड़का लगाऊंगी। सबसे पहले ये दोनों दालें मैं उबलते हुए पानी में डालूंगी। इधर पानी उबल रहा है तो 4 गिलास पानी डाला मैंने, वो कमी बेशी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर ज़्यादा गाढ़ी क्योंकि दाल फूलती है तो पानी आप बाद में भी डाल सकते हैं। ये दोनों दालें बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं, अगर आप धोना चाहते हैं तो धो सकते हैं। ये 1 टीस्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ये भी साथ ही डाल रही हूँ। ये मेरा होममेड मसाला, सीक्रेट मसाला, ये मेरे चैनल पे है। आजकल ये यही डाल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला हर चीज़ है। तो ये मैं 1 टीस्पून इधर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी काट ली हैं, ये भी साथ ही डाल रही हूँ। तो नमक थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल लेती हूँ, इसके अंदर भी नमक है लेकिन कम है, तो बाद में नमक भी साथ डाल लेती हूँ। तो उसके बाद आपको दिखाती हूँ, 20 मिनट के लिए इसको रख देती हूँ हल्के चूल्हे पे। जल्दी पक जाती है मूंग मसूर की दाल, बहुत जल्दी बन जाती है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ 20-25, ये तकरीबन 20-25 मिनट लग गए थे। तो ये देखें दाल इस तरह घुली हुई है। दाल को पतला ही रखें क्योंकि ये बाद में इसमें स्टार्च होता है, तो ये बाद में गाढ़ी हो जाती है, बस ये ख्याल रखना है। ये इससे भी पतली होनी चाहिए। अगर तो आपने उसी टाइम बना के खानी है तो बेशक इस तरह रख लें, लेकिन अगर थोड़ी देर रखनी है बाद में भी तो फिर वो गाढ़ी हो जाती है। तो इस तरह ये तैयार है। तो कुछ मैं आधी निकाल लूँगी, आधी को तड़का लाऊँगी, आधी मैं देखती मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ मैं आपको एक और आइडिया देती हूँ कि अगर आपके पास मूंग मसूर की दाल बच जाए तो आपने क्या करना है कि इसको पराठे बना लें। आटे में गूँध के, ये आटे में डाल के तो बस गूँध लें, तो उसके बाद पराठे बनाएंगे नाश्ते में खाएं। यकीन करें इतने मज़े के बनते हैं पराठे। तो ये भी आपको एक आइडिया दिया है कि इस तरह भी कर सकते हैं। बाद दफ़ा अक्सर दाल हमारी बच जाती है, तो अगर एक दो दफ़ा खा लें तो जो बच जाए तो फिर वो पराठे भी बन सकते हैं। आज मैं इसको प्याज का तड़का लगा रही हूँ और इसमें अचारी मिर्चें डाल रही हूँ। ये मेरी होममेड अचारी मिर्चें हैं, जो मैंने इंस्टेंट अचारी मिर्चों के नाम से मेरे चैनल पर है। ये इसमें लहसुन भी डाला है और लाल मिर्च भी। आज मैं इसका तड़का लगाऊंगी। अगर आपके पास ना हो तो आप सब्ज़ मिर्चों में 4 का मसाला भर के तो इस तरह तड़का लगा सकते हैं। तो ये आधी मैंने इसमें निकाल लिए, इसको तड़का लगाऊंगी। आधी मैंने रख लिए और बाद में। इधर प्याज गर्म हो रहा है, मक्खन में ही प्याज मैंने ब्राउन किया। ये देखिए ब्राउन प्याज हो जाए, अब इसमें मैं मिर्चें डालती हूँ। मिर्चें तो पहले ही पकी हुई हैं, बस ऐसे 1-2 मिनट हिलाऊँगी और थोड़ी सी सुरख मिर्चें साथ डालूंगी ताकि उसका कलर आ जाए थोड़ा सा दाल का। अगर आप नहीं डालना चाहते, कलर की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो फिर बेशक आप मिर्चें ना डालें। मिर्चें मैंने पहले भी डाली हैं। बस इसको ज़्यादा नहीं पकाना, ये पहले ही पकी हुई हैं। तो ये थोड़ी सी सुरख मिर्चें, ये इनको ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना क्योंकि एकदम से ये काली हो जाती हैं। तो अब इसका तड़का लगा लें। आखिर में बस थोड़ा सा धनिया काट के डालती हूँ। ये देखें इसमें मिर्चें भी हैं, लहसुन भी आ गया, तो इतना अच्छा। ये मैं आपको नया आइडिया दिया है कि इस तरह भी कर सकते हैं। मिर्चें बनानी सिखाई नहीं है, अगर घर में हों तो एंड पे दाल को तड़का लगा लें। और किस तरह ये दाल मिक्स हुई है देख, तो बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। आज मैंने ज़ीरे का तड़का नहीं लगाया क्योंकि ज़ीरा भी इसके अंदर ही है। अचारी मिर्चों में हर चीज़ है, तो इसलिए थोड़ा सा कलर आ जाता है इस तरह। बस हल्के चूल्हे पे एंड पे अगर थोड़ा सा मक्खन डालना चाहिए, देसी घी, वो डाल सकते हैं। ये दाल तैयार है। एंड पे अगर कोई गरम मसाला हल्का सा डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ अचारी मिर्चों में हर चीज़ है इसलिए कुछ नहीं डाली। तो अब आखिर मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। बॉयल्ड राइस के साथ मैं इनको सर्व,
लीजिए नाजरीन, मूंग मसूर की दाल तैयार है। तड़का लगाने के बाद मैंने हल्के चूल्हे पर रख दी थी। अगर आप चाहते हैं कि दाल गाढ़ी हो जाती है जब ठीक हो जाए, तो उसमें उबलता हुआ पानी डालें, ठंडा पानी ना डालें, उबलता हुआ पानी थोड़ा सा डाल के उसको थोड़ा पतला कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया, मुझे भी गाढ़ी लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा उबलता हुआ पानी डाला। और ये देखें मिर्चें, जो चारी मिर्चें डाली हैं उनका कितना अच्छा टेस्ट। तो अब हम देसी तरीके से जिस तरह हम घर में खाते हैं उस तरह खाने लगी हूँ। तो ये हमारी रवायती डिशें होती हैं जिनको हम, और कोई समझ ना आए कि क्या बनाएं तो हम ये बना लेते हैं। दाल चावल सबसे ज़्यादा आसान है और मेरे ख्याल है इतनी पतली ही होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी भी हो जाए ना वो भी सही नहीं। ये चारी मिर्च इतना अच्छा इसका टेस्ट बना, थोड़ी देर बाद खुद ही जब ठंडी हो जाएगी फिर ये ठीक हो जाएगी। तो बस ये इस तरह की होनी चाहिए। इसमें अचार भी और जो सुरख मिर्च है वो भी इस तरीके से खाते हैं। तो इंशाल्लाह और भी इंशाल्लाह दाल की रेसिपियाँ शेयर करूँगी आज तो सादा से। और कोई समझ ना आए तो फौरन हम दाल मूंग मसूर की सबसे ज़्यादा आसान है, बाकी जो दूसरी है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये देखें थोड़ी थोड़ी अंदर से गाढ़ी भी है। तो इंशाल्लाह हर एक का बनाने का तरीका मुख्तलिफ होता है, मेरा ये तरीका है इसी तरह ही बनाती हूँ, बार दफ़ा चेंज कर लेती हूँ, भून के भी बनाती हूँ। तो इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ मिलते हैं। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़। चेक करके देखती हूँ, बिस्मिल्लाह। इतना अच्छा टेस्ट बना है, जो चारी मिर्च थी ये इसका असर थोड़ा इसके अंदर चला गया, तो यकीन करें इतनी मज़े की है, इतना अच्छा टेस्ट आया मुँह में। तो ये जो मिर्च है ये भी अचार की, लहसुन भी है, ये लहसुन ये भी इसका भी टेस्ट अच्छा है। तो आप भी मेरे तरीके से बना के देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।